C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जानकी प्रूव हिम रॉन्ग। जानकी आंटी मुझे पता है आपको सब कुछ याद है, आपको याद है ना सब कुछ? बोलिए ना कौन था वो, कौन था जिसने आपके जान लेने की कोशिश की? आप कुछ बोलिए तो सही। वो करण सर के घर पे बात बताने गए थे, करण सर को कौन सी बात थी आपको याद है? आपको आपको ये याद है जो इंसान आपको मारने आया था वो हमारे घर भी आया था, आपके कमरे में छुपा हुआ था पर्दे के पीछे, लेकिन हमें लगा था कि वो चोर है। लेकिन वो चोर नहीं, वो खूनी था। उसने बार बार आपको मारने की कोशिश की। अरे ऊपर वाले का रहम है कि आप हर बार बच गए जानकी आंटी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ, मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, मुझे वो नाम जानना है, मुझे वो नाम जानना है। क्या नाम है उसका बताओ मुझे। देखिए आप प्लीज इन्हें इतना फोर्स मत कीजिए, जैसे जैसे इनके जख्म ठीक होते जाएंगे इनकी याददाश्त वापस आती जाएगी, सो प्लीज अभी आप इन्हें इतना फोर्स मत कीजिए, नहीं तो इनके दिमाग पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये कोमा में भी जा सकती हैं। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, बताइए ना वो कौन था, वो कौन था जो आपके जान के पीछे है? करण सर से हम क्या बात करने वाले थे, बताइए ना, प्लीज बताइए ना। सुसाइड? रियली वेरी वेरी सैड, यू नो व्हाई? बिकॉज दिस सैडनेस विल रिमेन थ्रू आउट योर लाइफ। तेरी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तेरी लाइफ में लाइफ टाइम रहने वाली, वो भी इनकमिंग फ्री। जो ये चीजें होती है ना इनकमिंग फ्री, इन्हें मैं अपनी लाइफ में देर तक रखता नहीं, यू नो, झाड़ देता हूं, फाड़ देता हूं एंड फाइनली गाड़ देता हूं। और जब दी गरल उतरा किसी को गाड़ने पे आ जाए ना, तो उसका नोटी भगवान भी उसे बचा नहीं सकता। वो क्या ना, देख बकरे तो मैं खाता ही नहीं, तो गंदी चीजें तो देखने का मुझे शौक ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे आसपास बहुत ब्यूटीफुल चीजें देखने के लिए। और जब तुझ जैसा कांटा पाँव में चुभता है ना, तो उसे मैं निकाल कर फेंक देता हूँ।